जिले के चिड़ावा कस्बे में विवेकानंद चौक में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मोमबत्ती जलाकर तथा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि पूर्व पार्षद रविकांत शर्मा ने बताया कि बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कैंडल जलाकर तथा 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत हिंदू महासभा के नगर अध्यक्ष व हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवाड़ी को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सरकार से मांग की गई इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो। कमलेश जी तिवाड़ी जो हिंदूवादी नेता थे, हिंदुओं के अंदर जागृति पैदा करने का काम कर रहे थे, उनकी पिछले कुछ दिन पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने, एक धर्म के लोगों ने हत्या कर दी, और वो भी भगवा वस्त्र पहनकर, भगवा वस्त्रों का गलत उपयोग करते हुए, यह दिखाते हुए कि भगवा आतंकवादी जो फिलहाल देश के अंदर वो वातावरण चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए भगवा वस्त्र पहन के जो आए थे, और वो एक धर्म से के प्रति इस प्रकार की घृणा रखते थे कि दूसरे धर्म का प्रचार और प्रसार और उसमें जन जागरण करने के लिए जो भी व्यक्ति आगे आएगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। ये बहुत ही बड़ा दुखद घटना थी। आज उसी कमलेश जी तिवाड़ी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कमलेश जी तिवाड़ी की आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवारजनों को इस प्रकार का सबल प्रदान करें इस दुखद घड़ी के अंदर कि वो इस दुख से उभर सके। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी CBI से जांच कराई जाए, इनके पीछे, इस हत्याकांड के पीछे कौन कौन लोग हैं, जिससे उसका खुलासा हो सके और तिवाड़ी परिवार को न्याय मिल सके। श्याम बाबा की जय। आज हम हैं महान भजन किंग श्री अनूप जलोटा जी के साथ। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम जो ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के चनाना गांव में श्याम बाबा का मंदिर बना रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये मंदिर नहीं है जी, ये तो पूरा शहर है। इतना बड़ा ये बन रहा है मंदिर जी, कि उसकी जो परिकल्पना है वो देख के ऐसा लगता है जी, कि इसमें तो हजारों लोग, लाखों लोग आएंगे जी, सारी दुनिया से आएंगे और इसका आनंद लेंगे। सर, आप भी जाएंगे? मैं भी जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। मैं तो श्याम बाबा का भक्त हूँ जी। सर, श्याम बाबा एक ऐसा नाम है, श्याम क्यों नाम है? क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं अपना नाम उन्हें दिया कि तुम जाने जाओगे मेरे नाम से। वो इतने बड़े भक्त थे, वो इतने बड़े गुरु भक्त थे, वो इतने बड़े योद्धा थे जी, कि वो सब देखते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे जी। और वो श्याम बाबा लोगों ने पुकारते, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी बड़ी चीज बन रही है। चनाना गांव जो है वो झुंझुनू शहर के पास है, मैं झुंझुनू भी गया हूँ और अब चनाना जाऊंगा और वहां पर दर्शन करूंगा इस सुंदर स्थान के, जिसका शिलान्यास तो हो चुका है, भूमि पूजन हो चुका है और बहुत जल्दी ये बन जाएगा जी। अब इसका निर्माण आरंभ होगा, लेकिन ये इतना विशाल बनने वाला है कि मुझे विश्वास है कि जो आएगा वो एक दिन में नहीं देख पाएगा पूरा, उसको यहाँ रहना पड़ेगा 2-3 दिन जी सर। और वहाँ तो सारी व्यवस्था है, रूम्स बन रहे हैं, निजी अच्छे स्थल है, हाँ बहुत कुछ वहाँ अरेंज किया गया, कल्याण केंद्र है, सब कुछ उपलब्ध जी। तो वहाँ जो जाएगा वो पूजन भी करेगा, अपना मेडिटेशन करेगा, योगा करेगा और अपने को स्पिरिचुअली बहुत स्वस्थ बना के वहाँ से आएंगे। तो इसको तैयार होने दीजिए, फिर वहाँ जाके हम भी 2-4 दिन रहेंगे और अपने को थोड़ा अच्छा बनाएंगे। सारे संसार में श्याम बाबा के भक्त हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस महान निर्माण में आइए, जुड़िए, अपना योगदान दीजिए और देखिए ये स्थान श्याम बाबा तक पहुंचने में, श्याम बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने में आपके लिए कितना सहायक सिद्ध होगा। लोग आएंगे, वहां रहेंगे और श्याम बाबा की भक्ति करेंगे, कितना आशीर्वाद प्राप्त होगा उन्हें। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग आइए और इस महान कार्य में जुड़िए।